स्टडी वीज़ा शो देख रहे हो तुसी, मैं हाँ तुहाडे नाल सिमी ते मेरे लाल ने लैंडमार्क इमीग्रेशन तो स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट करण बंटा जी। करण जी, वेलकम टू द शो। सत श्री अकाल जी। तो अज करण जी, मैं चाहनी हाँ असी गल करिए ट्रिबास कॉलेज बारे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज हैं, तो मैं चाहनी हाँ तुसी डिटेल्स से एक बार ट्रिबास कॉलेज का प्रोफाइल दस दो। जी बिल्कुल, पहले तो जितने भी मेरे व्यूअर्स ये वाला शो देख रहे हैं उन सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल और वेलकम टू लैंडमार्क इमिग्रेशन शो। ट्रिबास कॉलेज की आपने बात की है तो ट्रिबास कॉलेज के बारे में आज मैं पूरी इन्फॉर्मेशन अपने सभी स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा। सबसे पहले ट्रिबास कॉलेज मॉन्ट्रियल क्यूबिक में है। मॉन्ट्रियल क्यूबिक का नाम सुनते ही आज ज़्यादातर जितने भी बच्चे या पेरेंट्स हैं वो थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनमें गुस्सा आ जाता है कि मॉन्ट्रियल क्यूबिक के बारे में कोई एजेंट क्यों बात कर रहा है। बट अगर लैंडमार्क इमिग्रेशन किसी मॉन्ट्रियल कॉलेज की बात कर रहा है, ट्रिबास कॉलेज की बात कर रहा है, वहाँ पर रिसेंटली हमने वीज़ा अचीव किए हैं और वो उसके वीज़ा आ रहे हैं, क्योंकि ट्रिबास कॉलेज सस्पेंशन लिस्ट से बाहर है, सस्पेंशन लिस्ट में नहीं है। ऑलरेडी ट्रिबास कॉलेज ट्रिबास के CAQ भी आ रहे हैं, अप्लाई भी हो रहे हैं, ऑफर लेटर्स भी विद इन वन डे रिसीव हो रहा है। ओवरऑल 6 बैंड एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड पर आप ट्रिबास कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। सितंबर इंटेक के लिए अप्लाई हो सकता है, परसेंटेज की भी कोई ज्यादा नहीं, 50% अबव वाला बच्चा ट्रिबास कॉलेज में अप्लाई कर सकता है। वीजा सक्सेस रेट अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है कि सस्पेंशन लिस्ट से बाहर कॉलेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस कॉलेज में। ऑलरेडी आप हमारी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाकर देखेंगे तो आपको रिसेंट वीजा गोल्डन सीपी का मिलेगा जो कि हमने हैंड ओवर किया है। ओके, हुन आप रिजल्ट की गल कर लेने हैं। बाकी सारे कॉलेज तो अगर कंपेयर करिए तो ट्रिबास कॉलेज के रिजल्ट जरा जल्दी आ जाते हैं, इहदा बेसिक रीजन की है? देखो, बेसिक रीजन इसका यही है कि ट्रिबास कॉलेज सस्पेंशन लिस्ट से बाहर है। कभी भी इस कॉलेज के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बैठी, इंक्वायरी कमीशन नहीं बैठा, तो एम्बेसी की नजर में ये कॉलेज अभी बिल्कुल साफ है, क्योंकि कॉलेज के अपने कुछ रूल्स हैं। ये कॉलेज दूसरे कॉलेजेस की तरह ही पढ़ाई का सिस्टम रखा है ओवर बच्चों को। ओवर बच्चों का मतलब कि ये कॉलेज जो अभी सस्पेंशन लिस्ट में है इसलिए आए क्योंकि बैठने की कैपेसिटी 200 स्टूडेंट की है, पर कॉलेज में एडमिशन लिया है 2000 बच्चों ने, तो ट्रिबास उतनी ही स्ट्रेंथ में बच्चों को एक्सेप्ट करता है जितनी उसके पास सिटिंग कैपेसिटी है। दैट्स वाई ये कॉलेज अभी सस्पेंशन लिस्ट से बाहर होने के कारण एम्बेसी इसको वीजा ग्रांट कर रही है और जल्दी वीजा आ रहे हैं। हमने अभी फेब में फाइल लगाई थी और आज हमारे पास वीजाज हैं इसके, CAQ, ऑफर लेटर, हर चीज टाइमली हुई है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो वो स्टूडेंट्स जिहड़े किसी और कॉलेज से ऑलरेडी अप्लाई कर चुके ने, मैं ये जानना चाहूँगी कि वो स्टूडेंट्स हुन ट्रिबास कॉलेज से चेंज कर सकते हैं? देखिए, मैं अभी सिर्फ मॉन्ट्रियल की बात कर रहा हूँ तो आई थिंक हम मॉन्ट्रियल के कॉलेजेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। यस, जो स्टूडेंट्स अभी अप्लाई कर चुके हैं, जो वेटिंग एरिया में एक तरह से बैठे अपने रिजल्ट्स को लेकर, साल साल डेढ़ डेढ़ साल हो गया पर उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। मॉन्ट्रियल के 10 सस्पेंडेड कॉलेजेस में से रिजल्ट अटका पड़ा है। कई स्टूडेंट्स के मेडिकल पास हुए वो भी वापिस ले लिए गए क्योंकि एम्बेसी अभी उनके ऊपर रिजल्ट देने के मूड में नहीं दिख रही। यस, वो बच्चे भी ट्रिबास कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। वो बच्चे अपनी न्यू LOA लेकर फीस जमा करके ट्रिबास कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, उनके रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे। सो आपके पास, सभी बच्चों के पास एक मौका है। जो बच्चा क्यूबेक जाने के लिए इंटरेस्टेड है, जिनके रिलेटिव्स क्यूबेक में रहते हैं, जिनके दोस्त क्यूबेक में रहते हैं, जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्यूबेक थी, वो बच्चे अभी भी क्यूबेक में अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट उनको एक बार लैंडमार्क इमिग्रेशन के ऑफिस में विजिट करना है, हमारे प्रोफेशनल काउंसलर की राय लेनी है टेलीफोनिकली, जो आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 90413 90412, एक बार उस पर व्हाट्सएप या कॉल जरूर करनी है ताकि हमारे प्रोफेशनल काउंसलर आपके साथ बात कर सके और आपको तरीका बता सके कि आप अपने एग्जिस्टिंग कॉलेज से ट्रिबास कॉलेज में कैसे ट्रांसफर ले सकते हो, क्योंकि फीस भी ट्रांसफर करनी है, उसका भी पूरा सोल्यूशन आपको लैंडमार्क इमिग्रेशन की तरफ से दिया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं चाहनी हूं एक बार क्विकली तुसी दस दो कि बेसिक पॉइंट्स की हैं अगर फीस ट्रांसफर करनी हो कॉलेज। देखिए, बेसिक पॉइंट्स ये हैं। सबसे पहले आपको ऑफर लेटर मंगवाना है अपना, CAQ का प्रोसेस कंप्लीट करना है आपने अपना, देन आपके पास उस कॉलेज में, ट्रिबास कॉलेज में भरने के लिए फीस होनी चाहिए। अगर आप रिफंड की वेट करना चाहते हैं पुराने कॉलेज में से, देन आप रिफंड की वेट भी कर सकते हैं, बट अगर आपके पास फीस अरेंज्ड है तो आप फीस पे कीजिए। हम आपकी न्यू LOA अपलोड करेंगे, वेब क्वेरी के थ्रू फीस रिसीट अपलोड करेंगे ताकि आप वीजा ले सकें इजीली, और वो भी सितंबर इंटेक का। मैं आपको इंटेक भी ज्यादा नहीं दे रहा कि जनवरी या 2022 के इंटेक में नहीं भेजना चाह रहा आपको, मैं चाह रहा हूं जितना भी बच्चा वेट कर रहा है पिछले साल डेढ़ साल से, वो सितंबर 21 के लिए ही एलिजिबल हो जाए और सितंबर 21 में फ्लाई कर जाए।
जी बिल्कुल, तो तुम कभी भी अप्लाई कर सकते हो और तुम कॉल करके कंसल्ट कर सकते हो। 9413-9412 लैंडमार्क इमीग्रेशन का नंबर है, नंबर टीवी स्क्रीन पर भी दिता हुआ। और जे तुम ईमेल के राही कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो तुम ईमेल भी कर सकते हो, ईमेल आई डी भी थोड़ी टीवी स्क्रीन पर दी गई है। तो करण जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनफॉर्मेशन। सत श्री अकाल जी।